नमो नमः। छात्रों, अद्य पाठ शीर्षक अस्ति सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार तथा च नगर योजना। इस समय कोरोना काल बहुत पीक पर है, बहुत संभल कर चलना है और अपने को बचा कर रखिए आप लोग। मुखावरणम बिना बहिना गच्छेम, बिना मास्क के हम लोग बाहर नहीं जाएंगे। परेभ्य गजद्वय परिमितां दूरीम स्थापयेम, दूसरे से 2 गज की दूरी बनाकर रखेंगे। बारम बारम हस्त प्रक्षालनम कुरियाम, बार बार हाथ को धोते रहें। और सार्वजनिक स्थाने सु थूक करनम न कुरियात, सार्वजनिक स्थान पर थूकेंगे नहीं। कोरोना इस बार ट्रिपल ट्रैप में है, बहुत खतरनाक स्थिति में, इसलिए हम लोग को बच के रहना है। ऑनलाइन क्लास का पूर्ण लाभ उठाइए आप लोग। नागार्जुन में संस्कृत महाविद्यालय तरौनी दरभंगा, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के लिए विद्याई सहाचार्य अमरवीर सनातन गोनेन्दु राय, कक्षा शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड का पत्र संख्या 2 अनिवार्य पत्र, विषय सामान्य अध्ययन। सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार अगर देखा जाए, इसके उत्तर में जो है जम्मू कश्मीर में मांडा और दक्षिण में जो है दैमाबाद जो महाराष्ट्र में पड़ता है, इसकी दक्षिण सीमा है। और पूर्वी सीमा आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और पश्चिमी सीमा सुटका गेंडौर जो बलूचिस्तान में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्यवीन सभ्यता थी, जिसका उद्भव ताम्रपाषाण काल में भारत के पश्चिमी क्षेत्र में हुआ था और इसका विस्तार भारत के अलावा पाकिस्तान और बलूचिस्तान अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में था। यह सभ्यता उत्तर से दक्षिण लगभग 1100 किलोमीटर, ये पूछता है परीक्षा में 1100 किलोमीटर, तथा पूर्व से पश्चिम लगभग 1600 किलोमीटर तक फैली हुई थी। अभी तक उत्खनन एवं अनुसंधान द्वारा करीब 2800 स्थल ज्ञात किए गए हैं, 2800 स्थल ज्ञात किए गए हैं। सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में सैंदव सभ्यता का पता लगाया था, जिसका सर्वप्रथम वर्णन उनके द्वारा 1842 से प्रकाशित पुस्तक में मिलता है। उसके बाद वर्ष 1921 में मार्शल के नेतृत्व में पुरातत्वविद दयाराम सहनी ने उत्खनन कर इसके प्रमुख नगर सभ्यता का पता लगाया। सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की खोज के कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया, सभ्यता रखा गया। सर जॉन मार्शल के दिशा निर्देश में ही राखल दास बनर्जी द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में की गई। रेडियो कार्बन पद्धति C14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व माना गया है। यह सभ्यता 400 से 500 वर्षों तक विद्यमान रही तथा 2200 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व के मध्य तक यह अपनी परिपक्व अवस्था में थी। नवीन शोध के अनुसार यह सभ्यता लगभग 8000 साल पुरानी है। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं के निर्धारण का महत्वपूर्ण स्रोत उत्खनन से ही प्राप्त मानव कंकाल है। सबसे अधिक कंकाल मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। इसके परीक्षण में यह निर्धारित हुआ है कि सिंधु सभ्यता में 4 प्रजातियां निवास करती थी, जिसमें भूमध्य सागरीय, दूसरा प्रोटो ऑस्ट्रलाइट और तीसरा अल्पाइन और चौथा मंगोलाइट। सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर योजना है, इस सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। सिंधु घाटी की सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि यह सभ्यता पर्यावरण के अनुकूल, इसका उद्भव नगर नियोजन तथा जल निकास प्रणाली थी, जो आज भी भारत के नगरों में देखा जाता है। सड़कें एक दूसरे को संपूर्ण पर काटती थी। लगभग सभी नगर 2 भागों में विभक्त थे। प्रथम भाग में ऊंचे दुर्ग हुआ करते थे, निर्मित थे और इसमें शासक वर्ग का निवास स्थान था। दूसरे भाग में नगर या आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं। आमतौर पर यहाँ सामान्य नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर और श्रमिक रहते थे। पिकट के अनुसार श्रमिक रहते थे।
सड़कों के किनारे की नालियां ऊपर से ढकी होती थी और घरों का गंदा पानी इन्हीं नालियों से होता हुआ मुख्य नाली में गिरती थी। कालीबंगा व रंगपुर को छोड़कर सभी में पक्की हुई ईंटों का प्रयोग हुआ था। प्रत्येक घर में एक आंगन, एक रसोई घर तथा एक स्नानागार होता है। अधिकांश घरों में कुओं के अवशेष भी मिले हैं। कुआं का अवशेष मिला है। नगर प्राचीर से किलेबंदी की गई थी और पशु दस्यु आदि से बचने के लिए किला का निर्माण, जिसमें कोई पशु न हो हिंसक घुस जाए। मोहन जोदड़ो का विशाल स्नानागार सिंधु सभ्यता का अद्भुत निर्माण है, जबकि अन्नागार सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। घरों की खिड़कियां मुख्य सड़क पर न खुलकर गलियों में खुली करती थी, लेकिन लोथल इसका जो है अपवाद है, एक्सेप्शनल है। 4:2:1 लंबाई चौड़ाई मोटाई का अनुपात वाला ईंट ज़्यादा प्रयोग हुआ करती थी। कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे इम्पोर्टेंट स्थल हैं, किस नदी के किनारे हैं, इसके उत्खननकर्ता कौन है और वर्तमान स्थिति क्या है, ये भी जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। छात्रों, इसको हम लोग जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता जो थी, हड़प्पा जो है ये स्थल रावी नदी के किनारे था, जिसकी खोज जो है दयाराम सहनी 1926-1927 से और 1933 से 1934 तक माधव स्वरूप बक्सन के निर्देशन में हुआ था। इसकी खुदाई वर्तमान स्थिति में ये पाकिस्तान का जो है मोंटगोमरी जिला में पड़ता है। मोहन जोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे थे। इसका खुदाई राखलदास बनर्जी ने करवाया था। वर्तमान कंडीशन सिंधु प्रांत का लखाना जिला जो पाकिस्तान में पड़ता है। चानूदड़ो सिंधु नदी के किनारे था। अर्नेस्ट मैके ने इसकी खोज की थी। सिंधु प्रांत पाकिस्तान में अभी कंडीशन है इसका। कालीबंगा जो है घग्घर नदी के किनारे था। बीबी लाल एवं बीर के थापर ने इसका उत्खनन करवाया था। यह अभी जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में पड़ता है। कोट डीजी जो है सिंधु नदी के किनारे, फजल अहमद खां जो है इसकी खोज करवाए थे और पाकिस्तान का जो है सिंध प्रांत में यह भी पड़ता है। रंगपुर जो है भादर नदी के किनारे हैं, जिसके उत्खननकर्ता ऐसा राव हैं जो गुजरात का अहमदाबाद जिला में अभी स्थित है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे हैं और उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा, अभी वर्तमान कंडीशन पंजाब का रोपड़ जिला। लोथल जो है भुगवा नदी के किनारे और उत्खननकर्ता ऐसा राव और गुजरात का जो है अहमदाबाद जिला है, कंडीशन अभी का। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे खोजकर्ता जो है यज्ञदत्त शर्मा, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में पड़ता है। सुक्का गैंडोर दास नदी के किनारे जो खोज ऑरल स्टाइन ने किया था, पाकिस्तान के मकरान के समुद्र तट के किनारे था। बनावली जो है सरस्वती नदी के किनारे, उत्खननकर्ता आर एस बिस्ट और हरियाणा का जो है फतेहाबाद जिला है। धौलावीरा नदी इसके लिए क्लियर नहीं है, लेकिन इसके खोजकर्ता जेपी जोशी और आर एस विस्ट हैं। ये गुजरात के कच्छ जिला में पड़ता था। आज के लिए इतना ही छात्रों, बस अपना जो है स्वास्थ्य सम्यक रखिए, कोरोना से बचते रहिए, घर से बाहर न निकलिए, खुद को इस समय लॉकडाउन कर लीजिए। देश तो लॉकडाउन होने की अवस्था में आ ही रहा है और इस बीमारी से बचिए। जिंदगी रहेगी तो पढ़ाई हम लोग साक्षात रूप से भी करेंगे। ऑनलाइन का लाभ उठाइए और घर में बने रहिए, अपने होमवर्क को पूरा कीजिए। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा।